स्वागत है आपका मंजिल पर सफलता की ओर पहला कदम। दोस्तों मैं आदित्य पाल आज आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है रेक एंगल। जी हां, आज हम यहां पर रेक एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टूल का रेक एंगल क्या होता है, गॉट इट। तो आइए रेक एंगल को समझने से पहले सबसे पहले हम टूल को देख लें, टूल को समझ लें, उसके बाद हम उसके रेक एंगल के बारे में समझेंगे। दोस्तों ये आपका टूल है जैसे आपने काफी देखा होगा और इस तरीके का टूल आपका यूज होता है शेपर, प्लेनर या स्लॉटर के अंदर। यहां पर इस टूल की जो कटिंग एज है, जी हाँ ये देखिए, ये जो आप एज देख रहे हो, दिस एज इज नोन एज व्हाट, कटिंग एज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कटिंग एज, कटिंग एज। ये टूल की क्या है, कटिंग एज। ओके, और आप देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो यहाँ पे कटिंग एच है वो कितनी है, एक, जो कि आपकी कटिंग में पार्टिसिपेट करेगी, है ना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये है कटिंग एच जो कि आपकी कटिंग में क्या करने वाली है, पार्टिसिपेट करने वाली है। और कितनी एच है, ओनली वन। दोस्तों जब आप इस टूल के साइड व्यू को देखोगे, ये जो मैंने हैश किया है, इस साइड व्यू को जब आप देखोगे, क्योंकि ये जो फिगर मैंने पूरा बनाया है ना, ये क्या है आपका 3D फिगर है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा ये जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हो टूल का, ये एक तरीके से आपका क्या है, शैंक है, जो कि मशीन में टूल पोस्ट के अंदर फिट होगा। ठीक है, मशीन के टूल पोस्ट में क्या होने वाला है, ये फिट होने वाला है। जैसे आप इसे साइड से देखते हो तो ये पोर्शन जो मैंने हैश किया था, देखा अभी आपको, ये पोर्शन जो मैंने अभी क्या किया था हैश, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आप देखोगे कि जो कटिंग एज थी अब वो एक पॉइंट की तरह यहां पे दिख रही है। और कितना पॉइंट है यहां पे, एक पॉइंट है, इसलिए हम इसे कभी कभी कह देते हैं सिंगल, ऐसा आपने सुना भी होगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। आगे आने वाली वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका डबल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। ठीक है, बट इस वीडियो में हमारा फोकस रेक एंगल को समझने के लिए है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर जैसा कि आप ये टूल देख रहे हो, इस टूल का मैं अगर इतना पोर्शन बनाऊं, जी हाँ यहां पर इस पोर्शन को मैं अगर हटा दूं और इतना पोर्शन में बनाऊं जिसके अंदर आप देख रहे हो कि कटिंग एज भी है, जो कि एक तरीके से एक पॉइंट नजर आ रही है, तो ये कुछ नजर आएगा इस तरीके से, है ना, ये कुछ नजर आएगा इस तरीके से, देख रहे हैं आप, ये कुछ नजर आएगा इस तरीके से। और ये आपका वर्क पीस है जिसे ये टूल कट करने जा रहा है। ओके, ये आपका यहाँ पे वर्क पीस है, दिस इज योर वर्क पीस जो कि कट होने जा रहा है विद दिस टूल। और ये टूल आपके वर्क पीस को कट करने जा रहा है विद अ कटिंग वेलोसिटी व्हाट, वी, वी कटिंग वेलोसिटी से ये कट करने जा रहा है। ओके, वी कटिंग वेलोसिटी से ये कट करने जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये आपके इतने मटेरियल को कट कर रहा है, इतने अनकट मटेरियल को कट करेगा, तो इसे हम बोलते हैं टी नॉट, दैट इज अनकट चिप थिकनेस। ओके, अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस। ओके, या आप ये भी कह सकते हो ये आपका इतना डेप्थ ऑफ कट, ओके कट होने वाला है, तो डी इज व्हाट, डेप्थ ऑफ कट। चलिए अभी यहां पर हम ज्यादा ना पढ़ते हुए अभी रेक्टेंगल की तरफ मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये टूल इस वर्कपीस को कट करेगा, और जैसा कि आप देख रहे हो कि टूल आपका वर्कपीस की तरफ मूव कर रहा है विद अ कटिंग वेलोसिटी वी, ओके विद अ कटिंग वेलोसिटी वी। अच्छा ये जो आप सरफेस देख रहे हो, ये वर्कपीस का वो सरफेस है जो कट हो चुका है, ओके या आप इसे कह सकते हो कट हो चुका है, दैट इज अ फिनिश्ड सरफेस। ये आपका वर्कपीस का कौन सा सरफेस है, फिनिश सरफेस, फिनिश सरफेस, ओके फिनिश सरफेस। चलिए आप यहां देख रहे हो कि जो अनकट मटेरियल था वर्कपीस का, जब ये कटा तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, चिप की फॉर्म में, और ये चिप ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ये जो चिप है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है दोस्तों, ये देखिएगा ध्यान से, ओके और किस फेस से जा रहा है, टूल की किस फेस से जा रहा है ये आपको देखना है। तो टूल की जिस फेस से ये जा रहा है उसे हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, इस फेस से। टूल का ये फेस या ये सरफेस जिस पर से आपका चिप मूव हो रहा है
उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, उस सरफेस को हम रेक सरफेस या रेक फेस कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है टूल का रेक सरफेस या फेस वो सरफेस होता है जहां से आपका क्या मूव करे, चिप मूव करे। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये सरफेस आपका क्या है यहां पर, रेक सरफेस और रेक फेस। ओके, रेक सरफेस और रेक फेस, रेक सरफेस और रेक फेस। चलिए, आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर की लाइन, इसे हम कहते हैं नॉर्मल और रेफरेंस, रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये नॉर्मल और रेफरेंस लाइन आपकी एक तरीके से मशीन या फिनिश सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। चलिए, हमने यहां समझा रेक फेस या रेक सरफेस, नॉर्मल लाइन या रेफरेंस लाइन। दोस्तों, यहां पर आपके रेक सरफेस का इंक्लिनेशन देखना है किससे, नॉर्मल या रेफरेंस लाइन से, है ना। रेक सरफेस का इंक्लिनेशन, रेक सरफेस का इंक्लिनेशन देखना है नॉर्मल, ये जो ब्लू कलर की लाइन हम देख रहे हैं, नॉर्मल या रेफरेंस लाइन से। इस इंक्लिनेशन को हम कहते हैं, इस इंक्लिनेशन को हम कहते हैं रेक एंगल। ओके, इस इंक्लिनेशन को हम कहते हैं रेक एंगल। ठीक है, रेक एंगल। ठीक है, रेक एंगल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ये रेक एंगल है आपका पॉजिटिव रेक एंगल, दिस इज अ पॉजिटिव रेक एंगल। जी हाँ, पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल भी होते हैं और जीरो रेक एंगल भी होते हैं। इसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो क्यों कहें, आइए समझते हैं। देखिए, आप ये देखें कि रेफरेंस या नॉर्मल लाइन के, ओके, रेफरेंस और नॉर्मल लाइन के किस तरफ से टूल आ रहा है, फ्रॉम दिस साइड टूल इज कमिंग, और दिस साइड को आप कंसीडर कर लीजिए पॉजिटिव। ऑलवेज जिस तरफ से आपका टूल आ रहा हो रेफरेंस लाइन के, आप उस साइड को कंसीडर कर लीजिए पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, और रेफरेंस लाइन के इस साइड को हम कंसीडर कर लीजिए नेगेटिव, कर लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए, अब आप ये देखें कि आपका जो यहां पर रेक सरफेस है, ओके, गॉट इट, आपका जो यहां पर ये जो रेक सरफेस है, है ना, ये जो रेक सरफेस है वो रेफरेंस लाइन और नॉर्मल लाइन से इंक्लाइंड है। ओके, इस पॉजिटिव साइड की तरफ, इस पॉजिटिव साइड की तरफ। ओके, इंक्लिनेशन है कहां, इंक्लिनेशन है पॉजिटिव साइड की तरफ। तो इसलिए हमने इस रेक एंगल को क्या कह दिया, पॉजिटिव रेक एंगल। गॉट इट, ऐसे ही आपका नेगेटिव रेक एंगल भी होता है और जीरो रेक एंगल भी होता है। आइए समझते हैं। देखिए, आपका यहां पर हमने समझा कि टूल, वापस से मैं आपको समझा देता हूं, पॉजिटिव रेक एंगल, जैसे टूल आपके वर्कपीस को, ये क्या है, ये हमारा वर्कपीस है और टूल आपके वर्कपीस को कट कर रहा है और इट इज मूविंग टुवर्ड द वर्कपीस विद अ कटिंग वेलोसिटी वी फ्रॉम दिस साइड। और यहाँ पे जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये नॉर्मल और रेफरेंस लाइन है जो कि आपके मशीन सरफेस से परपेंडिकुलर है, है ना। और आप देख रहे हो कि जब टूल रेफरेंस लाइन के जिस तरफ से आता है उस साइड को आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव। और ये आप देख रहे हैं टूल का रेक सरफेस, और रेक सरफेस का इंक्लिनेशन फ्रॉम द रेफरेंस और नॉर्मल लाइन क्या कहलाया, रेक एंगल, और किस तरफ है, पॉजिटिव साइड। तो ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव रेक एंगल। ठीक है ना, पॉजिटिव रेक एंगल, समझ में आ गया। ये रेक सरफेस थी, रेक सरफेस क्योंकि यहां से आपका ये चिप मूव कर रहा था, ये चिप मूव कर रहा था, है ना, ये चिप मूव कर रहा था, और रेक सरफेस का इंक्लिनेशन नॉर्मल या रेफरेंस लाइन से क्या कहलाया, रेक एंगल। और क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है इसलिए ये क्या हुआ, पॉजिटिव रेक एंगल। ऑब्वियस है, रेफरेंस लाइन के इस तरफ ये साइड आपकी हो गई नेगेटिव साइड। वापिस से समझते हैं कि भाई जीरो रेक एंगल फिर क्या होगा। देखिए, टूल ये मेरा एज यूजुअल वर्क पीस, ठीक है, एज यूजुअल वर्क पीस, एंड टूल इज कमिंग टूवर्ड द वर्क पीस विद अ कटिंग वेलोसिटी वी। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ओके, जो कि मशीन सरफेस या फ्रेस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन, और जिस तरफ से टूल आता है उसे आपने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव, और इस तरफ आपने क्या कंसीडर किया, नेगेटिव। अब यहां पे अगर हम देखें तो रेक सरफेस क्या है आपका, यहां पर हम अगर देखें तो ये है रेक सरफेस टूल का, जहां से आपका चिप मूव कर रहा है, देख रहे हैं आप, जहां से आपका चिप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
अब आप ये देखिए कि रेक सरफेस का इंक्लिनेशन आपके रेफरेंस लाइन से, हाँ, आपके इस रेफरेंस लाइन से एक तरीके से क्या है, जीरो, इंक्लिनेशन जीरो है। तो यहां पे ये एंगल कहलाया जीरो रेक एंगल। क्लियर? वापस से समझते हैं नेगेटिव रेक एंगल के लिए। हाँ, नेगेटिव रेक एंगल के लिए समझते हैं। देखिए वापस से अगर हम इसे देखें, ये मेरा यहां पे क्या हुआ, वर्क पीस हुआ। टूल इज कमिंग टुवर्ड द वर्क पीस विद अ कटिंग वेलोसिटी वी। ओके, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो रेफरेंस लाइन है, ये देख रहे हैं आप, ये रेफरेंस लाइन, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। ये क्या है आपका, रेफरेंस लाइन, जो कि आपके मशीन सरफेस या फिनिश सरफेस के क्या है, ये देखिए, ये मशीन सरफेस और क्या है, फिनिश सरफेस, जिसके परपेंडिकुलर है, तो ये रेफरेंस लाइन हो गया। ठीक है। अच्छा, यहां पर रेक सरफेस क्या होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया था रेक सरफेस क्या होता है। रेक सरफेस वो सरफेस होता है टूल का जहां से आपका चिप मूव करता है। तो ये रहा चिप जो मूव कर रहा है, और ये रहा वो फेस जिसके ऊपर से मूव कर रहा है। तो ये फेस क्या कहलाया आपका, ये फेस आपका कहलाता है रेक फेस या रेक सरफेस। ओके, अब टूल जिस तरफ से आ रहा है रेफरेंस लाइन के, उस साइड को आपने क्या कंसीडर किया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब रेक सरफेस का इंक्लिनेशन अगर आप देखें, रेक सरफेस का इंक्लिनेशन रेफरेंस लाइन से नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव रेक एंगल। ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव रेक एंगल। ओके, नेगेटिव रेक एंगल माइनस अल्फा, नेगेटिव रेक एंगल। ओके दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी विंसन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, और ये है आपका www.vincentedu.org। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप हमारे इस YouTube के लेक्चर के PDF नोट्स चाहते हो, तो आप हमारे साथ हमारे इस टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम के इस चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको रीसेंट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। ओके, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता पड़ सके कि आपको और क्या चाहिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों, थैंक यू।